हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं शेयर कर रही हूँ समोसे की रेसिपी। सबसे पहले हम समोसे का आटा तैयार करेंगे। उसके लिए 2 कटोरी मैदा लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम अपने हाथ पर डाल के थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और फिर डालेंगे। करने से अजवाइन का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल। इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अपने हाथों पर हम इसे रब करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल मैदे में इवेनली मिक्स हो जाए। ये देखिए, आटे को जब हम लेंगे तो इसे इस तरह बंद जाना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक टाइट डो तैयार करेंगे। और अब इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए हम थोड़े से पीनट्स को रोस्ट कर लेंगे। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम एक गैस को बंद कर देंगे। अब हम समोसे की फिलिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। में डालेंगे 1 चम्मच सरसों के दाने और उसे क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और कटा हुआ प्याज। इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन भुंज गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच जीरा पाउडर। साथ ही में इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें रोस्टेड पीनट्स डाल देंगे। लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। समोसे की फिलिंग रेडी हो गई है। अब गैस को हम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। हम आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। लोई लेकर हम अब उसे बेल लेते हैं इस तरह से।
हमें ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। अब इसे हम बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में काट लेंगे। स्लाइस लेकर उसके किनारों पर हम पानी लगा लेंगे इस तरह से, और उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके अच्छी तरह से सील कर लेंगे। अब हम इसमें आलू की फिलिंग को भर देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से भरना है। ऊपर के किनारों पर भी पानी लगा लेंगे और पीछे से एक फोल्ड करके इसे अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए हमारा समोसा रेडी है। तेल को मीडियम लो गैस पर गरम करके समोसे तलने के लिए डाल देंगे। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर ही तलेंगे। इसे तलने में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक धीमे आंच पर तलना है। ये समोसे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम तेल में से निकाल लेंगे। समोसे बनकर तैयार हैं।